हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वांट स्टडी। आज हम करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर टाइम स्पीड डिस्टेंस का पार्ट सेकंड। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हैं, ये रहे डायरेक्ट लिंक्स आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से हमें हर जगह फॉलो कीजिए और किसी भी अपडेट को मिस मत कीजिए। शुरू करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन प्रेजेंट करना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने आपको रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में भी करवाया है और पाइप्स एंड सिस्टम और टाइम एंड वर्क चैप्टर में भी करवाया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसका जो आंसर है कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। और जिन बच्चों से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा उनके लिए इसका सोल्यूशन जो है वीडियो के एंड में दिया जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो बिटवीन द ट्रैवलिंग रेट्स ऑफ ए एंड बी इज़ 2:3 एंड देयरफॉर ए टेक्स 10 मिनट्स मोर देन बी टू रीच द डेस्टिनेशन। ठीक है, इन्होंने कहा है कि ए और बी के बीच में जो उनके ट्रैवल करने का रेट है वो है 2:3। ट्रैवल करने का रेट क्या होता है कि जिस रेट से आप ट्रैवल कर रहे हैं, जिस स्पीड से आप ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये बेसिकली ये जो ट्रैवलिंग रेट की बात की गई है ये ए और बी की स्पीड की रेशो दी गई है। उन्होंने कहा है देयरफॉर ए टेक्स 10 मिनट मोर देन बी टू रीच द डेस्टिनेशन। स्पीड की रेशो है 2:3, हम इसे टाइम की रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं। और टाइम उन्होंने दिया हुआ है, ए और बी के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है 10 मिनट का। अब इन्होंने कहा है नेक्स्ट लाइन में, अगर ए जो है वो अपनी डबल स्पीड पे चलता, ठीक है, इफ़ ए हैड वॉक्ड डबल द स्पीड, ठीक है, द टाइम टेकन बाय हिम टू रीच द डेस्टिनेशन वुड हैव बीन। अब देखिए, ए अगर अपनी स्पीड डबल कर देगा तो यूजुअल टाइम से ऑब्वियसली बात है उसको कम टाइम लगेगा। तो ये रहा इसका सोल्यूशन। ए और बी को हमने किया, स्पीड लिखी हमने 2:3, टाइम हमने इन्वर्स कर दिया, जैसा कि मैंने बताया था 3:2 आ गया टाइम। अब क्वेश्चन में ए और बी के बीच टाइम का गैप दिया हुआ है 10 मिनट का, क्योंकि ए जो है 10 मिनट ज़्यादा ले रहा है बी से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। और रेशियो देखिए, रेशियो में आपको दिख रहा है 1 यूनिट का गैप है। 1 यूनिट का गैप कैसे है, ए जो है 3 यूनिट ले रहा है, बी जो है 2 यूनिट ले रहा है। तो ऑब्वियसली बात है ए जो बी से ज़्यादा टाइम ले रहा है, ए बी से कितना टाइम ज़्यादा ले रहा है रेशियो में, 1 यूनिट, क्योंकि ए जो है 3 यूनिट ले रहा है और बी जो है 2 यूनिट ले रहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 मिनट्स, तो 1 यूनिट की हमारी वैल्यू आ गई 10 मिनट्स। अब मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि हमें ए की यूजुअल टाइम निकालना है, यूजुअल टाइम। तो ए यूजुअल टाइम कितना ले रहा है, 3 यूनिट्स का टाइम ले रहा है। अगर 1 की वैल्यू है 10 मिनट्स तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 30 मिनट्स, ठीक है, 3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 30 मिनट्स। सपोज कीजिए कि आपको 20 किलोमीटर का डिस्टेंस चलना है, ठीक है, आप 20 किलोमीटर का डिस्टेंस चलते हैं और एक घंटे में आप 5 किलोमीटर ही कवर कर रहे हैं, तो आपकी स्पीड आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर चलना है, एक घंटे में 5 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, 5 किलोमीटर पर आवर की आपकी स्पीड, तो टाइम कितना लगेगा। अगर आप 20 एक घंटे में 5 किलोमीटर चल रहे हैं तो आपको 4 घंटे लग जाएंगे 20 किलोमीटर कवर करने में, तो आपके पास टाइम आ गया 4 और 20 किलोमीटर आपने चलना है, आपकी स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर। अब यही चीज़ उन्होंने कहा कि आपने अपनी स्पीड डबल कर दी, यानी जो 5 किलोमीटर पर आवर था वो बन के 10 किलोमीटर पर आवर। अब अगर आप एक घंटे में 10 किलोमीटर चल रहे हैं और आपको 20 किलोमीटर टोटल चलना है तो आपको कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे। तो देखिए, पहले केस में टाइम लगा आपका 4 आवर जब आपकी स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर, जब हमने स्पीड को डबल किया तो वो बन के 10 किलोमीटर पर आवर और टाइम आ गया आपका 2 आवर्स। तो आपने देखा जैसे ही स्पीड डबल हुई टाइम हाफ हो गया। वैसे ही अगर आपको इन फ्यूचर कहा गया कि स्पीड को 4 टाइम्स इंक्रीज करना है तो टाइम कितना हो जाएगा, 1/4। स्पीड हम 3 टाइम्स इंक्रीज करेंगे, टाइम हो जाएगा 1/3, ठीक है। यही रिलेशन है इन दोनों के बीच, स्पीड और टाइम का इन्वर्स का रिलेशन यही बनता है। जितनी स्पीड इंक्रीज होगी टाइम उतना ही डिक्रीज होगा, उतना ही टाइम्स डिक्रीज होगा। तो पहली स्पीड मैंने आपको दिखा दी कि 5 किलोमीटर पर आवर थी, टाइम लगा 4 घंटे का। दूसरी स्पीड उसकी 10 किलोमीटर पर आवर की थी, टाइम लगा 2 घंटे का। वही चीज़ हमने क्वेश्चन में अप्लाई की, अगर उसको यूजुअल टाइम लग रहा था 30 मिनट्स का, स्पीड डबल हुई तो टाइम उसका हाफ हो जाएगा, तो 30 का हाफ क्या होगा, 15 मिनट। तो ए की स्पीड डबल करने पे जो उसको टाइम लगेगा अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए वो है 15 मिनट्स। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पॉइंट है ए और बी और उनके बीच का डिस्टेंस है 720 किलोमीटर्स। राम और शाम चले पॉइंट ए टुवर्ड्स बी। अच्छा, ठीक है, राम और शाम दोनों पॉइंट ए पे खड़े थे और वो बी की तरफ चलना शुरू हो गए, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। और बी तक पहुंचने में राम को 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं शाम से। राम टेक्स 3 और मोर देन शाम टू रीच बी। दोनों ए की डायरेक्शन में चल रहे हैं, ए से बी,
ठीक है, डिस्टेंस है 720 किलोमीटर, और उस 720 किलोमीटर को कवर करने में राम को जो है शाम से ज़्यादा टाइम लग रहा है। कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है? 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, शाम की स्पीड ज़्यादा होगी तभी वो पहले पहुँचा राम से। ठीक है, अब उन्होंने कहा अगर राम अपनी स्पीड को डबल कर देगा तो राम को शाम से 3 घंटे कम लगेंगे। जो उसकी यूजुअल स्पीड थी उसमें 3 घंटे ज़्यादा लग रहे थे, जब उसने डबल की तो उसको 3 घंटे कम लगने लगे। तो उन्होंने कहा कि शाम की स्पीड को बताइए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, स्पीड राम की थी, शाम की थी, जो भी थी, आगे जाके इन्होंने कहा है कि राम की स्पीड डबल की गई तो जो है राम को 3 घंटे कम लगे। पहले राम की स्पीड यूजुअल थी, 3 घंटे ज़्यादा लगे, राम की स्पीड जब डबल हुई 3 घंटे कम लगे। तो हमें सारी इन्फॉर्मेशन राम के बारे में दी है, तो हम क्वेश्चन की शुरुआत भी राम से ही करेंगे। ठीक है, हमने राम के लिख ली ओरिजिनल स्पीड जो थी वो 1 यूनिट थी, तो उसकी न्यू स्पीड क्या हो जाएगी? 2 यूनिट, क्योंकि उन्होंने डबल करने को कहा है। अब अगर उसको इन्हीं को स्पीड की रेशियो को हम टाइम में कन्वर्ट कर दें तो राम को पहले टाइम लग रहा था 2 यूनिट्स का, तो न्यू टाइम कितना लगेगा? 1 यूनिट का। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने स्पीड की रेशियो को इन्वर्स कर दिया, तो हमारे पास टाइम की रेशियो आ गई। अब देखिए पहले उसको टाइम लग रहा था 2 यूनिट्स का, तो वो हो रहा था 3 आवर्स लेट। अब उसको टाइम लग रहा है 1 यूनिट का, अब वो पहुँच रहा है 3 आवर जल्दी, तो इन दोनों का गैप आ रहा है 1 यूनिट का। और क्वेश्चन में दिया है कि अगर वो 2 यूनिट के जब वो 2 यूनिट टाइम ले रहा था तो वो 3 घंटे लेट हो रहा था, और जब वो 1 यूनिट टाइम ले रहा है तो वो 3 घंटे पहले पहुंच रहा है। तो आप देखिए 12 बजे एक आप एक आइडियल टाइम ले लो, 12 बजे जब आप 3 घंटे लेट हो गए तो यानी कि आप 3 बजे एक डेस्टिनेशन पर पहुँच रहे हो, और जब आप 3 घंटे पहले पहुँच जाओगे तो यानी कि आप 9 बजे डेस्टिनेशन पर पहुँच रहे हो। तो 9 से 3 का गैप देखा जाएगा, क्योंकि 2 और 1 के बीच का गैप देख रहे हैं ना हम, टाइम में जो 2 है ओरिजिनल और 1 है न्यू, उसका गैप देख रहे हैं, वो 1 यूनिट आया। वैसे ही हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम 9 और 3 बजे के बीच का गैप देखेंगे, वो होगा 6 घंटे का, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 6 और। अब हम क्या करेंगे, राम का ओरिजिनल टाइम निकाल लेंगे। ओरिजिनल टाइम क्या लग रहा था उसको? 2 यूनिट्स, यानी कि उसको 12 घंटे लग रहे थे एक डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। ठीक है, अगर राम को 720 किलोमीटर ट्रैवल करना है और वो उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट यानी कि 720 किलोमीटर ट्रैवल करने में 12 घंटे लग रहे हैं, तो राम की स्पीड क्या हो जाएगी? 720/12। पर हमें राम पे काम नहीं करना है, हम सीधा भी चाहें तो शाम की स्पीड निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि शाम को जो है वो जब राम को ओरिजिनल 12 घंटे का टाइम लग रहा था तो शाम जो है उससे 3 घंटे पहले पहुंच रहा था। 12 घंटे पे राम 3 घंटे लेट था ना, तो शाम यानी 3 घंटे पहले पहुंच रहा है, तो शाम को कितना टाइम लगा 720 किलोमीटर कवर करने में? शाम को लगे 9 घंटे। ये पॉइंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ। देखिए हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाली 6 और हमने हमें चाहिए था राम का ओरिजिनल टाइम, तो राम का ओरिजिनल टाइम यहाँ आपको दिख रहा है 2 यूनिट्स लग रहा है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू है 6 तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या लगेगी? 12 आवर्स। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि अगर वो अपनी यूजुअल स्पीड से चलता, अभी डबल नहीं की है उसने स्पीड, यूजुअल स्पीड से चलता तो राम को अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए 3 घंटे ज़्यादा लगने थे शाम से, यानी कि राम को 720 किलोमीटर जो है वो पूरे करने के लिए शाम से 3 घंटे ज़्यादा लगने थे। अगर शाम को एक्स और लग रहे थे तो राम को x+3 लग रहे हैं, उसी x+3 की वैल्यू है 12, यानी कि राम को 720 किलोमीटर को कवर करने में 12 घंटे लग गए। अब शाम जो है वो राम से 3 घंटे पहले का पहुंचा हुआ है वहां पे, ठीक है, 3 घंटे पहले का, यानी कि शाम को कम टाइम लगा है राम से, क्योंकि तभी वो पहले पहुंचे ना उससे, 3 घंटे पहले का पहुंचा हुआ है राम से। अगर राम को 12 घंटे लग रहे हैं और शाम उससे 3 घंटे पहले का पहुंचा हुआ है, तो यानी कि शाम को कितने घंटे लग गए? शाम को उस 720 किलोमीटर का जो ए से पॉइंट बी पे पहुंचना है उस डिस्टेंस को कवर करने में लगे सिर्फ 9 घंटे। 12 - 3 = 9, राम के टाइम टेकन से 3 घंटे कम टाइम लगा है शाम को अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। अब शाम को 9 घंटे लगे वहां पहुंचने में और 720 टोटल डिस्टेंस है, तो शाम की स्पीड क्या होगी? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। 720 किलोमीटर इज द डिस्टेंस, 9 आवर इज द टाइम टेकन बाय शाम, तो स्पीड आ गई 80 किलोमीटर पर आवर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एडिशन / सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का पार्ट नहीं है, पर हमारे नेक्स्ट जो क्वेश्चन कुछ आएंगे वो फ्रैक्शन वैल्यू पे बेस्ड होंगे, इसलिए मैं आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना सिखा रहा हूँ। बेसिकली ये टॉपिक सिंप्लीफिकेशन का है और सिंप्लीफिकेशन आपको विशाल सर करा रहे हैं, पर स्टिल अपनी एक सेफ साइड लेने के लिए मैं आपको ये चीज़ करना सिखा देता हूँ। सपोज़ कीजिए हमारे पास 3 नंबर हैं, एक है 1+2/3+4/3, इनकी यहाँ पे क्लियरली एडिशन हो रही है, तो हमें ये कैसे करना है मैं आपको अभी सिखाता हूँ।
सबसे पहले हमें लेना है एलसीएम। एलसीएम किसका लिया जाता है? एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर का लिया जाता है। तो डिनोमिनेटर हमें यहाँ दिख रहा है 2/3 में है 3 और 4/3 में है 3। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम होता है एक ऐसा नंबर जो दोनों जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यूज है उनके टेबल में आता हो। तो 3 और 3 के टेबल में तो ऑब्वियसली बात है 3 ही आ जाएगा, तो 3 ले लेंगे हम डिनोमिनेटर जो कि होगा एलसीएम। तो हमारे टोटल फ्रैक्शन का एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया 3, जिसको हम डिनोमिनेटर भी कहते हैं। अब देखिए 1 के नीचे 3 नहीं है, 2 और 4 के नीचे 3 है। जब जिस नंबर के नीचे वो वैल्यू नहीं होती, हम उस नंबर को उस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमने जब 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा सबसे पहला पॉइंट आ गया 3। अब 2 और 4 के नीचे आपको 3 दिख रहा है, तो 2 और 4 जो नंबर है हम इनको एज इट इज़ लिख देंगे, इनमें किसी भी चीज़ की मल्टीप्लीकेशन नहीं होगी। जब 2 और 4 को हमने एज इट इज़ लिख दिया तो हमारे पास ऊपर न्यूमिनेटर में आ गया 3 प्लस 2 प्लस 4 और डिनोमिनेटर में हमारा आ गया 3, जो कि था एलसीएम। मैं एक बार फिर से ये रिपीट कर रहा हूँ। देखिए 1 के नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम मौजूद नहीं था। जिस नंबर के नीचे एलसीएम नहीं होता उस नंबर को हम एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं और वो हम ऊपर निकलते हैं न्यूमिनेटर में। अब 2 और 4 के नीचे सेम एलसीएम हमें दिख रहा था, तो 2 और 4 हमने एज इट इज़ लिख दिए। ये सब करने के बाद हमारे पास न्यूमिनेटर में आया 3 प्लस 2 प्लस 4 और डिनोमिनेटर हमारा 3, जो कि था एलसीएम। तो 2 प्लस 3 प्लस 4 करेंगे तो हमारे पास आएगा 9, डिनोमिनेटर था हमारे पास 3, तो हमारे पास फ्रैक्शन आ गई 9/3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1/3 प्लस 2/4 प्लस 4/6। मैंने आपको बताया एलसीएम कैसे लेना है। एलसीएम एक ऐसा नंबर जो होगा जो 3, 4 और 6 तीनों के टेबल में एक कॉमन नंबर होगा। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 3, 4 और 6 के टेबल में आता होगा? 12 जो है 3 के टेबल में भी आता है, 3 4 12, 4 3 12 और 6 2 12। तो 12 आ गया हमारा एलसीएम। अब हमने देखा जो हमारा एलसीएम आ रहा है 12, वो हमारे जो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर हैं उनके बराबर नहीं है, क्योंकि 1/3 में डिनोमिनेटर है 3, 2/4 में है 4, 4/6 में है 6। तो इन्हें बराबर कैसे करना है? 3 को 12 के बराबर करना हो तो 3 को 12 के बराबर कैसे किया जाएगा? जब हम 3 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे 4 के साथ। अब वही जो 4 नंबर है वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे न्यूमिनेटर के साथ, तो हमारी पहली टर्म आ जाएगी 4, 1 × 4 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन देखिए 2/4, 4 को हमें 12 बनाना है, तो कैसे बनेगा? 3 से मल्टीप्लीकेशन करने के लिए। अब वही जो 3 होगा वो हम ऊपर न्यूमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सेकंड स्टेप के बाद हमारे पास आ गई ऐसा 2 × 3। थर्ड है हमारे पास 4/6। अब 6 को हमने 12 बनाना है, तो कैसे बनेगा? जब 6 की मल्टीप्लीकेशन होगी 2 के साथ, तो वही 2 हम न्यूमिनेटर 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारी फ्रैक्शन कुछ ऐसी दिखेगी। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 1 4, 3 2 6 और 4 2 8। जब हम इसे और फर्दर सॉल्व करेंगे, इनकी एडिशन करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 18/12। इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा 3/2 आंसर, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसे ही होनी है। अगर यहाँ प्लस, ये जो 2/4 है इसके आगे प्लस 4/6 के बजाय माइनस 4/6 लिखा होता, तो हम यहाँ 6 के आगे जो प्लस 8 लिखा है उसके बजाय माइनस 8 लिखते। प्लस माइनस सिंबल्स चेंज होंगे, बाकी कंसेप्ट पूरा का पूरा सेम ही रहेगा। अब वापस आते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ए बस कवर्स 1/3 ऑफ इट्स जर्नी विद 40 किलोमीटर पर आवर। तो 40 किलोमीटर पर आवर आ गई यहाँ पे स्पीड। नेक्स्ट 1/3 विद 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग विद 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास एक डिस्टेंस होगा जिसका 1/3 जो होगा उस डिस्टेंस का हम कवर कर रहे हैं, हमारी जो बस कवर कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगला 1/3 हिस्सा जो कर रही है वो कवर कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और आगे का जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो कर रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमें बताना है कि पूरी जर्नी में बस की एवरेज स्पीड क्या रही। अब हमने क्या किया, हमने जो है टोटल डिस्टेंस एज्यूम कर लिया 30 किलोमीटर। ये कैसे किया? देखिए जो भी हमारे पास फ्रैक्शन दिया होता है ना, उसका जो डिनोमिनेटर होता है, मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में भी बताया था, उसके डिनोमिनेटर से ही हम हर चीज़ एज्यूम करते हैं, डिनोमिनेटर से ही हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन दी हुई है डिस्टेंस की वो है 1/3 यहाँ पे और 1/3 यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, इनका डिनोमिनेटर देखा कि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, हमने डिस्टेंस एज्यूम कर लिया 30 किलोमीटर, ठीक है। एलसीएम मैंने लेना आपको अभी सिखाया। तो यहाँ पे 1/3 लिखा हुआ है, हमने 30 किलोमीटर एज्यूम कर लिया डिस्टेंस। अब इन्होंने कहा है कि 1/3 जर्नी जो है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 30 किलोमीटर का 1/3 क्या होगा? 10 किलोमीटर। तो पहले 10 किलोमीटर को उसने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में कवर किया, तो टाइम कितना आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल्स टू टाइम। तो 1/4 आ गया उसका टाइम जो उसने पहले 10 किलोमीटर को कवर करने में लिया। अब दोबारा 1/3 डिस्टेंस उसने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया, तो उसका टाइम आ गया 1/6। और सिमिलरली आगे का रिमेनिंग डिस्टेंस जो उसने कवर किया 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब देखिए
30 किलोमीटर में से 10 40 की स्पीड से चला है, 10 60 की स्पीड से, यानी कि 20 किलोमीटर वो कवर कर चुका है। तो कितना बचा, 30 में से 20 काटे आपने तो आपके पास बचा 10 किलोमीटर। तो वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कितनी स्पीड से चला है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसका टाइम आ जाएगा 1/3। और अब देखिए स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाहे वो एवरेज हो, टोटल हो, आधी हो, पूरी हो, जैसी मर्जी स्पीड हो, स्पीड का फॉर्मूला होगा हमेशा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास, 30 किलोमीटर पर आवर, और टाइम क्या आ रहा है हमारे पास, टाइम आ रहा है हमारे पास 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/3। जब हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे हमारे पास टोटल स्पीड, उसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। अब इस फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करना है, मैंने आपको अभी भी बताया, 4, 6 और 3 का एलसीएम होगा 12, 12 लीजिए और इस फ्रैक्शन को सॉल्व कीजिए और इसका आंसर देखिए 40 किलोमीटर पर आवर आ रहा है या नहीं आ रहा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए बस कवर्स 1/3 ऑफ जर्नी विद 20 किलोमीटर पर आवर, 1/4 ऑफ रिमेनिंग विद 10 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग विद 30 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ बस। अब देखिए मैंने आपको एलसीएम लेना सिखाया था, मैंने आपको बताया था जो भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होता है हम उसे एलसीएम लेते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने याद रखना फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर उसे हम एलसीएम लेंगे। तो 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12 और उसे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हम अपने एक डिस्टेंस एज्यूम कर लेंगे जी 120 किलोमीटर आ गया हमारा डिस्टेंस। वही चीज़ की हमने एलसीएम लिया 4 और 3 का, वो आया 12, उसको 10 से मल्टीप्लाई किया 120 किलोमीटर आ गया। आप 12 लेके भी काम कर सकते हो कि, पर मैंने इसलिए ले लिया कि पॉइंट में ना आ जाए आंसर। सबसे पहली लाइन कह रही है कि 1/3 जर्नी उसने 20 किलोमीटर पर आवर से की, तो 120 का 1/3 क्या आएगा, 120 का 1/3 आएगा 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर डिस्टेंस है, स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम टेकन आ जाएगा 2 आवर्स। क्यों, 40/20 आ गया हमारे पास 2 आवर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल्स टू टाइम। अब नेक्स्ट लाइन कह रही है 1/4 ऑफ द रिमेनिंग, 120 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है जिसमें से 40 वो चल चुका है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, तो रिमेनिंग कितना बचा, 120 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 80। अब उस 80 का 1/4 निकालना है, तो उस 80 का 1/4 क्या होगा, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर वो चला है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो टाइम क्या आ जाएगा, 20/10 इज इक्वल्स टू 2 आवर। ठीक है, अब 40 किलोमीटर चल चुका है, फिर उसके बाद 20 किलोमीटर चल चुका है, तो टोटल कितना हो गया 60 किलोमीटर, बचा कितना 60 किलोमीटर, क्योंकि 120 था, 60 किलोमीटर चल चुका है, तो बचा कितना 60 किलोमीटर, और वो 60 किलोमीटर वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला है, तो उसका टाइम टेकन कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड विच इज 60/30 इज इक्वल्स टू 2 आवर। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 120 किलोमीटर है हमारे पास डिस्टेंस और टाइम आ जाएगा 2 आवर प्लस 2 आवर प्लस 2 आवर विच इज इक्वल्स टू 6 आवर। तो एवरेज स्पीड क्या आ गई, 120/6 इज इक्वल्स टू 20 किलोमीटर पर आवर। अभी आते हैं सबसे इजी टाइप के क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन कह रहा है ए टाइगर टेक 5 लीप फॉर एवरी 6 लीप्स ऑफ डियर। अब लीप होता क्या है, आपने देखा होगा जब टाइगर या डियर भाग रहे होते हैं, वो उनके देख, आप अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो बड़े बड़े जंप्स ले रहे होते हैं एक दूसरे का पीछा करते के टाइम, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं लीप। आगे लिखा हुआ है बट 5 लीप्स ऑफ द डियर इज इक्वल्स टू 4 लीप्स ऑफ टाइगर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ टाइगर टू दैट ऑफ डियर, यानी टाइगर इज टू डियर की स्पीड की रेशियो बतानी है। तो हमने क्या किया, टाइगर और डियर लिखा, केस 1 और केस 2 लिखे। केस 1 में लिखा कि 5 लीप्स ले रहा है टाइगर तो 6 ले रहा है डियर, केस 2 में लिखा 5 ले रहा है अगर डियर तो 4 आ जाएंगे यहाँ पर टाइगर के। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये ट्रिक याद करनी है कि इनको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है डाउन से अप डायरेक्शन में, यानी नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब आप जब नीचे वाले 5 को ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो टाइगर के नीचे आ जाएगी 25, और नीचे वाले 4 को ऊपर वाले 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो डियर के नीचे आ जाएगा 24, और वही होगी इनकी रेशियो, टाइगर और डियर की स्पीड लीप्स की या फिर स्पीड की रेशियो आ जाएगी 25:24 की। और इसी के साथ हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस का पार्ट 2 होता है ख़त्म। ये वो क्वेश्चन था जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था और मैंने आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहा था। तो जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है उनका आंसर देखिए, इसका आंसर है 51 मिनट्स, और अगर आपने इसको सॉल्व किया और आपका आंसर 51 मिनट्स ही आ रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ये कंसेप्ट टोटली सीख चुके हैं। बाकी जो बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए उनके लिए ये रहा सॉल्यूशन। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़का है, वो एक दीवार 5 मीटर की दीवार को चढ़ रहा है 1 मिनट में, ठीक है, और स्लिप हो रहा है 2 मिनट अगले मिनट में। अगर दीवार की टोटल हाइट, यहाँ पोल नहीं है, वॉल अंडा, अगर दीवार की टोटल हाइट जो है 80 मीटर है तो लड़के को उस दीवार पूरी 80 मीटर तक चढ़ने के लिए कितना टाइम लगेगा, ठीक है, ये पूछा गया था। अब हमने लिख लिया कि 1 मिनट में लड़का क्या कर रहा है, 5 मीटर की दीवार चढ़ रहा है, अगले ही मिनट में वो 2 मीटर दीवार स्लिप कर रहा है, तो यानी 2 मिनट के बाद उसका टोटल वर्क जो होगा, टोटल उसने दीवार चढ़ी होगी वो 3 मीटर होगी। इसी कंसेप्ट पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
तो मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक चीज़ याद रखने के लिए कही थी कि जितना भी हमारा टोटल काम होता है उसमें से जो काम हमारा हो रहा है टाइम के एक पार्ट पे हमारा काम हो रहा है और दूसरे पार्ट में वापस ख़राब हो रहा है ना, तो जो काम हमारा हो रहा है उस काम को हम क्या करेंगे, हमारे टोटल काम से माइनस कर लेंगे और जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उस तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे कुछ भी करके, ठीक है। तो इधर हमारा टोटल काम है 80 मीटर और हम देख रहे हैं कि काम एक मिनट में जो हो रहा है वो है 5 मीटर का, तो हम 80 से 5 मीटर को माइनस कर देंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी 75 मीटर और इस 75 मीटर का काम हमें करना है। अगर 3 मीटर की चढ़ाई 2 मिनट में हो रही है तो 75 मीटर की कितनी होगी, सिंपल है, हमें 3 मीटर को जो है 75 मीटर तक बनाना है। तो वो कैसे बनेगा, जब 3 मीटर 25 से मल्टीप्लाई होगा, अगर 3 मीटर 25 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 मिनट भी तो 25 से मल्टीप्लाई हो गई, यानी कि 75 मीटर का जो काम हो रहा है मतलब जो वॉल चढ़ी जा रही है वो हो रही है 50 मिनट्स में। अब हमें पता है कि नेक्स्ट मिनट में लड़का जो है वो 5 मीटर वॉल चढ़ेगा, तो जैसे ही 51st मिनट होगा तो लड़का जो है 5 मीटर वॉल चढ़ेगा, जिसके साथ 75 में जब हम 5 मीटर ऐड करेंगे तो हमारा जो टोटल है 80 मीटर की वॉल वो लड़का क्लाइम कर लेगा, यानी कि 80 मीटर की वॉल जो है उस लड़के को क्लाइम करने में 51 मिनट्स का टाइम लग गया। और ये रहा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस का जो सेकंड पार्ट है वो भी ख़त्म होता है। कल हम करेंगे कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस और उन्हें कैसे सॉल्व करना है, उनमें क्या ट्रिक्स अप्लाई करनी है, वैसे क्वेश्चंस। अगर आपको आज की वीडियो समझ आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।